अरे यार सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक पोर्टेबल गैस स्टोव को, जो कि आप मतलब कैंपिंग में यूज़ करते हैं ना कुकिंग करने के लिए, जो छोटा सा गैस स्टोव जो हम यूज़ करते हैं ना, वही वाला सेम गैस स्टोव मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो का ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अभी हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने अमेजोन से मंगवाया था, ठीक है ना। और इसका जो प्राइस है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। सो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले निकला है एक हमारा जो गैस स्टोव है, जो इसका मेन फीचर है। और यहाँ पर सेकंड में निकला है यहाँ पर एक ब्यूटन का जो पोर्टेबल गैस है, सन कंपनी का, ठीक है ना। तो इसको हम साइड में कर देते। तो सबसे पहले हम ये जो गैस स्टोव है पोर्टेबल वाला, तो इसका हम अनबॉक्सिंग कर लेते, ठीक है। तो इसके अंदर एक थैली टाइप का दिया गया है और इसका हम सबसे पहले निकाल लेते हैं अच्छे से, ठीक है। इसको हम साइड में कर देते और यहाँ पर रस्सी दिया गया है, इसको खोल लेते, ठीक है। पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छा है। तो गाइस, ये रहा गैस, ठीक है, ये रहा गैस स्टोव। और इसको पैकिंग करने के लिए आपको इस टाइप का कुछ थैली भी मिल जाएगा दोस्तों। ये कुछ इस टाइप का इन्होंने गैस दिया है, बहुत ही छोटा सा, ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं है। इसको आप मतलब पोर्टेबल है ना, इसको आप कहीं पर भी कैरी करके ले जा सकते हो। यहाँ पर एक नोजल भी दिया गया है, ठीक है ना। इसको हम कैसे यूज़ करना है आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। और यहाँ पर इसका एक रेगुलेटर भी दिया गया है, इसको हम सबसे पहले खोल लेते हैं। तो अब क्या करना है कि इसको थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ खींच के इसको ऐसे करना है, तब जाके ये पूरा खोल जाएगा, एक स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो ये हो गया पूरा अपना जो कंप्लीट गैस लाइटर होता है ना, यहाँ पर एक मतलब फायर टाइप का कुछ निकल रहा है, ठीक है। देखोगे आप, ये देखो दोस्तों, निकल रहा है, देख रहे हो ना, आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन यहाँ पर निकल रहा है। और नीचे आपको मिल जाएगा इसका स्टैंड, इसको खड़ा करने के लिए इसका स्टैंड भी आपको मिल जाता है, 4 स्टैंड है ये। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट गैस स्टोव, ठीक है, पोर्टेबल गैस स्टोव। साइड से ये हो गया उसका लाइटर, ये हो गया उसका रेगुलेटर जो ऑरेंज में है, और ये हो गया उसका नोजल, और ये हो गया स्टैंड। यहाँ पर आपको बेंजल लिखा गया है, इसको आपको बहुत ही संभाल के यूज़ करना होगा। और यहाँ पर वो ये कितना टाइम तक चल सकता है इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये खोल लिया मैंने इसका कैप। सो दोस्तों, ये जो ब्यूटन गैस है, अभी हम इसको गैस स्टोव के नोजल में लगाएंगे और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसको लगाने का जो प्रोसेस है, पहले आप क्या करोगे कि ये वाला जो आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पर एक ऐसे ऊपर की तरफ गया है, तो सबसे पहले आप ऐसे लगाओगे इसको, और ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, जो खाली एरिया, इसके अंदर घुसा के आपको ऐसे राइट साइड में कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं, अरे ये क्या हो गया यार, और एक बार ट्राई करते हैं दोस्तों। अरे अरे, ये तो लीक हो रहा है ना, और एक बार ट्राई करते। दोस्तों अभी ये हो गया, इसको मैंने बंद कर दिया अभी, ठीक है ना, इसको मैंने पूरा ही बंद कर दिया। ये ओपन था इसलिए इसके अंदर से निकल रहा है दोस्तों। ये एक्चुअली सेफ्टी फीचर्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी कैसे हो रहा था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मैं घर में वीडियोस बना रहा हूँ ना। तो अभी मैं इसको ऑन नहीं करूँगा, सबसे पहले मैं इसको साउंड चेक कर लेता हूँ कि यहाँ से कोई मतलब कोई आवाज़ आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा होगा तो थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ध्यान रख के इसको आप थोड़ा सेफ्टी मेजर्स यूज़ करके आपको यहाँ पर ऑन करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसका जो नोजल है इसको मैं थोड़ा अभी ऑन करता हूँ। तो ये ऑन नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं इसको हल्का से इसको जो रेगुलेटर है इसको थोड़ा ऑन करता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, तो दोस्तों अभी ये जो है ये ऑन हो गया है, फिर एक बार ऑन कर दिया मैं। तो ये देखिए, ये रेगुलेटर की मदद से आप, ये जो रेगुलेटर है इसके मदद से आप इसको, इसका जो फ्लेम है इसको बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और ये पूरा मैंने इसका जो सबसे जो ज़्यादा निकलता है गैस उसके रेगुलेटर को उसमें लगा दिया है,
मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ क्योंकि भाई घर में मैं हूँ ना, तो सेफ्टी का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसको खोलना है कैसे अभी, ये इस बात का आप ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस टाइप का आपने लगाया था ना, तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कि ये जो रेगुलेटर है ये एक्चुअली ऑन है या फिर नहीं। अगर ऑन होगा तो आपने देखा होगा कि पहले में जो मतलब गैस निकल रहा था ना, तो आप पहले रेगुलेटर को बंद कर दीजिए, उसके बाद आप ये जो ब्यूटेन गैस है इसके अंदर नोजल में लगाइए। तो अभी इसको खोलेंगे कैसे, देखिए इसको थोड़ा प्रेस करके ऐसे करना है जिससे आपका ब्यूटेन गैस भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। सो दोस्तों ये था आज का मेरा रिव्यू, पोर्टेबल गैस को मैंने आपके सामने अनबॉक्सिंग कर दिया, तो आपने देख लिया होगा कि कैसे यूज़ करना है, कैसे इसका जो सेफ्टी फीचर्स है उसको कैसे यूज़ करना है। और दोस्तों ये जो पोर्टेबल गैस का प्राइस है और ये जो ब्यूटेन गैस है इसको मैंने साथ ही मंगाया था, और ये एक गैस मैंने मंगाया है, और ये दोनों का जो प्राइस है ये इसका जो प्राइस है 600 रुपीज़ है, ठीक है, 599 मतलब ऑलमोस्ट 600 रुपीज़, ठीक है। तो अगर आप ये खरीदना चाहते हो ये प्रोडक्ट, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजन का लिंक दे दिया, तो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट करके मतलब आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो तब तक के लिए अक्षय मिकी ब्लॉग्स साइनिंग ऑफ।